भाई कहाँ? हाँ टेक अ सीट। थैंक यू सर। कार्तिक? यस सर। किसी भगवान का नाम भी कार्तिक है, कौन है वो और उनके बारे में क्या जानकारी है? सर कार्तिक महादेव के बेटे हैं और गणेश भगवान के भाई है। छोटे या बड़े? बड़े भाई है। क्या है इनकी विशेषताएं, क्या क्या है कार्तिक देव की? सर कार्तिक देव का वाहन है मोर, और सर इतनी जानकारी है। कितने सिर हैं इनके? सर सिर नहीं पता। एक ही जो ऑड सिरों की संख्या है इनकी, जानकारी है कुछ? नहीं सर। नहीं, दक्षिण भारत में किस नाम जाने जाते हैं ये? दक्षिण भारत में सॉरी सर, कार्तिक को कार्तिक नहीं कहते उधर, कुछ और नाम है। सॉरी सर नहीं पता। सर नेम माथनकर लिखते हो? यस सर। क्या मीनिंग इसका, माथनकर माने क्या है? सर माथनकर का मतलब होता है कि जो अपनी सूक्ष्म क्षमता से किसी भी परेशानी को सफल करने में सक्षम हो। क्या किस कास्ट में आते हैं ये? सर वैसे तो हम ओबीसी में आते हैं, बट क्रीमी लेयर में मैं आता हूं, इसलिए मैंने जनरल से फॉर्म भरा है। ठीक है ना, वो मैं नहीं पूछ रहा हूं। तो किस कास्ट, बाय कास्ट क्या होता है? सर कुनबी, लोनारी कुनबी में आते हैं। तो क्या बेसिक काम क्या होता है इस जाति का? सर इस जाति का बेसिक काम होता है खेती करना और पशुपालन करना। तो कर रहे हो अभी? नहीं सर, पाप नहीं सर। यस सर। डेट ऑफ बर्थ 24 मई है। यस सर। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? सर 24 मई सॉरी सर आईडिया नहीं है। ब्रिज कितने प्रकार के होते हैं? मैम ब्रिज हमारा एक सस्पेंशन ब्रिज होता है, आर्च ब्रिज भी होता है, केबल आर्च ब्रिज होता है, बीम ब्रिज होता है, ट्रस ब्रिज होता है, और मैम केबल स्टेट ब्रिज होता है। ग्राउंड लेवल सर्वे जब अपन करते हैं, यस मैम, तो कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं उसमें? मैम ग्राउंड लेवल सर्वे में हम चेनिंग यूज कर सकते हैं, टेप यूज कर सकते हैं, कंपास, और मैम लेवलिंग के लिए हम थियोडोलाइट यूज करते हैं, ऑटो लेवल यूज कर सकते हैं इसमें हम। मैम एक प्लेन टेबल सर्वे भी होता है। प्लेन टेबल सर्वे में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं? मैम प्लेन टेबल सर्वे में हम एक प्लेन टेबल होता है और एलिडेट यूज करते हैं सेंटरिंग के लिए, और मैम एलिडेट यूज होता है, और मैम फोकसिंग के लिए हम फोकसिंग लेंस यूज करते हैं प्लेन टेबल में। मैम एलिडेट से भी उसको कर सकते हैं मैम। प्लेन टेबल में यूज ही कौन सा इक्विपमेंट होता है? एलिडेट होता है। यस मैम। उसमें अच्छा एलिडेट में जब हम लाइन ऑफ साइट से देखते हैं तो उसमें आगे क्या लगा रहता है? मैम एक थ्रेड रहती है जिससे हम थ्रेड होता है वो? मैम उसको एक स्पेसिफिक टर्म है लेकिन याद नहीं आ रहा है अभी। थ्रेड तो नहीं होता, धागा नहीं होता है वो मैम? किसका होता है? बाल? बाल सॉरी मैम पता। अच्छा रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड क्या है? मैम रेडिएशन मेथड में हम डायरेक्ट किसी भी ट्रांसवर्स को हम स्केच कर सकते हैं, बट इंटरसेक्शन मेथड में हमें इसके लिए दो पॉइंट पे हमें अपना प्लेन टेबल रख के इंटरसेक्ट करना होता है जिससे हम उसका ट्रांसफर क्रिएट करते हैं। अच्छा ओरिएंटेशन क्या होता है इसमें? किसमें मैम? प्लेन टेबल में ओरिएंटेशन करना है। यस मैम, ओरिएंटेशन के लिए मैम हम एक पॉइंट पे रखते हैं, फिर अदर पॉइंट पे उसको हम लोकेट करते हैं, उसके बाद फिर मैम उस पॉइंट को जब हम शिफ्ट करते हैं अदर पॉइंट से, तो फिर मैम थर्ड पॉइंट को फिर से लोकेट करते हैं और सेकंड पॉइंट से उसको मेजर करते हैं। ठीक है, थियोडोलाइट से हाइट निकालना है। यस मैम। ठीक है, कैसे निकालेंगे? मैम थियोडोलाइट से हाइट निकालने के लिए मैम हम पहले एक पॉइंट पे थियोडोलाइट फिक्स करके उसके टॉप एंड पोजीशन को लेके उसका एंगल फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर मैम उसके हम पोजीशन चेंज करके दूसरा एंगल फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद मैम हम अपना सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के उसको फाइंड कर सकते हैं। उसमें ट्रिग्नोमेट्री क्या लगेगा? मैम इसमें हमें एंगल पता रहेगा, उसके बाद हमें वो डिस्टेंस पता रहेगी जितने पे हमने उसको शिफ्ट किया है, तो मैम ये डिस्टेंस से हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं। यस मैम। कॉस थीटा वगैरह कुछ? मैम टेन थीटा हम इसमें लगा सकते हैं। यस मैम। चलो ठीक है। अच्छा क्लिनोमीटर से कैसे निकाल सकते हैं अपन? मैम क्लिनोमीटर जनरली जो होता है वो हमारा स्लोप फाइंड करने के लिए होता है अर्थ सरफेस की। क्लिनोमीटर से? मैम क्लिनोमीटर। अरे डंपी लेवल से क्या निकालेंगे फिर अपन? मैम डंपी लेवल मेन हमारा से सॉरी मैम याद नहीं आ रहा। बेंचमार्क बता दो क्या होता है? मैम बेंचमार्क एक फिक्स पॉइंट होता है जो हम लोकेट करते हैं, जिससे हम अदर पॉइंट्स के एलिवेशन को फाइंड करते हैं। अच्छा
अच्छा, अपना एवरेज बेंचमार्क क्या है? मैम एवरेज बेंचमार्क हम हमारे प्लेटफॉर्म पे भी लिखा होता है, और मैम अलग अलग एरिया पे जियोडेटिक सर्वे ने इसको डिफाइन करके रखा है। तो इंडिया का कहाँ से निकालते हैं? मैम इंडिया का हमारा मुंबई हाई के मीन सी लेवल से निकालते हैं। ये चेन्नई से निकालते हैं? मैम मुंबई से निकालते हैं। यस मैम। चलिए, क्रिकेट खेलते हैं अपन। यस मैम। कितने फॉर्मेट में खेला जा रहा है अभी क्रिकेट? मैम क्रिकेट तीन फॉर्मेट में खेला जाता है, एक T20, एक वनडे क्रिकेट एंड एक टेस्ट मैच। और एक नया फॉर्मेट और आया है ना अभी? मैम T10। हां। यस मैम। वो क्या है? बट वो मैम 10 ओवर का मैच होता है, बट उसको अभी हर लेवल पे नहीं खेला जा रहा है। अभी ये वर्ल्ड कप चल रहा है ना? यस मैम। इसमें क्या पोजीशन चल रही है टीम्स की? मैम इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे चल रही है 10 पॉइंट के साथ, सारे मैच जीता है, और सेकंड पोजीशन मैम साउथ अफ्रीका है, थर्ड पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया, एंड मैम फोर्थ पोजीशन पे मैम फोर्थ याद नहीं आ रहा। एक ओवर में एक एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में एक प्लेयर कितने तरीके से आउट हो सकता है? मैं कॉल करता हूं वापस। मैम बैंक जाना है। मैम इसके तो बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, तो बहुत सारे में से कुछ बता दो। मैम एक लेग बिफोर विकेट, एक मैम डायरेक्ट बोल्ड हो सकता है, और एक कैच आउट हो सकता है, और रन आउट हो सकता है, और ओके मैम बस चार ही बताएं। क्रिकेट खेला सही में? यस सर। यार मतलब छोटे बच्चे से पूछोगे ना तो भी वो दो चार एक्स्ट्रा बता देगा सर, स्टंपिंग वगैरह जोड़ देगा। यस सर। तुम चार बता के रुक गए यार, रन आउट नहीं समझ में आ रहा है सर, वो अभी मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। आपका चयन क्यों किया जाना चाहिए सर? क्योंकि इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है मैं वो फुलफिल करता हूँ। कैसे पता? घर में सब तय कर लिया कि जो रिक्वायरमेंट सारा फुलफिल कर रहे हो तुम, कैसे पता ये? नहीं सर, इसी ये सर मैंने पेपर दिया है, इसीलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। एमपी भी कॉलोनी में रहते हो? यस सर। क्यों सर? क्योंकि पापा गवर्नमेंट जॉब में, तो कॉलोनी में क्वार्टर प्रोवाइड किया गया। मुल्ताई का क्यों फेमस है? सर मुल्ताई से ताप्ती नदी और वर्धा नदी का उद्गम होता है। वेरी गुड। ताप्ती की लंबाई कितनी है? सर ताप्ती की लंबाई 785 किलोमीटर है। कितने जिलों से बहती है? सर वो ताप्ती नदी हमारी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से बहती है। और कहां इसका अंत कहां होता है? सर इसका अंत खंबात की खाड़ी अरब सागर में होता है। इसके मुहाने पर कौन सा शहर स्थित है? सर इसके मुहाने पर बुरहानपुर, और तट पर नहीं, मुहाने पर नदी जब समुद्र में मिलते हैं तो या तो एस्चुरी बनेगा या डेल्टा बनेगा। यस सर। क्या बनाए? एस्चुरी बनाते हैं सर। तो एस्चुरी पे वहाँ पर मुहाने पर कौन सा शहर है? सॉरी सर नहीं पता। नहीं पता, क्या पूछे? चलो जो तुम्हारा चॉइस है बताओ, चलो घबराहट दूर करते हैं, जो तुम बोलोगे वही पूछा जाएगा। सर मेरी हॉबी कुकिंग, आप कुकिंग से रिलेटेड पूछ सकते हैं। यस सर। ठीक है, क्या क्या बना लेते हो? सर कुकिंग में सर जो मैंने अभी लेटेस्ट में बनाया था, मैंने ओरियो और चॉकलेट का केक बनाया था। ओके। क्विजीन शब्द का क्या मीनिंग है? क्या सर? क्विजीन? सर क्विजीन का सर अलग अलग जो टाइप के डिश होती है उसी को आजकल हम क्विजीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्विजीन में कॉन्टिनेंटल क्विजीन का क्या मीनिंग है? सर कॉन्टिनेंटल क्विजीन जो अलग अलग प्रकार के क्विजीन्स मिलते हैं, जैसे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इसको कॉन्टिनेंटल क्विजीन कहते हैं। क्रेसों क्या होता है? क्या सर? क्रेसों? सर नहीं सर। फ्रेंच डिश है पर वो बहुत सामान्यतया होटल से मिलते हैं। नहीं पता। अभी भी नहीं। प्रोनंसिएशन कैसा है पर स्पेलिंग कुछ और लिखा होता है, अगर ध्यान आ रहा हो। सॉरी सर सुना नहीं मैंने। नहीं पता। इटालियन डिश क्या क्या आते हैं? सर इटालियन डिश हमारा पिज्जा एंड सैंडविच, एंड इटालियन डिश में सर पास्ता, इतनी हमारी इटालियन डिश है। और चाइनीज डिश में क्या आएगा? सर चाइनीज डिश में चाउमीन, मोमोज एंड मोमोज चाइनीज डिश है? यस सर। बिल्कुल नहीं। सॉरी सर। क्या बना लेते हो सर? मैं क्या बना लेते हो सब में से? इसमें से सर मैंने चाउमीन बनाई है, पास्ता बनाया है, पिज्जा बनाया है। चाउमीन बनाते समय एक चीज डाला होगा जिसका नाम अजीनोमोटो है, डाला था? नहीं सर। कैसे बना फिर यार? सर बिना अजीनोमोटो कैसे बन सकता है? टेस्टी आंसर ही वो होता है।
तो मैं नॉर्मल चीजें ही डाल के बनाता हूँ। क्या क्या डालते हो? फिर मैगी बनाया फिर तो इसने। तो चाउमीन कैसे हुआ? नहीं, अरे चाउमीन कैसे बनाओ, रेसिपी बता दो। चलो सर, पहले तो उसको हम उबाल लेंगे, उसके बाद सर हम प्याज टोमेटो शिमला मिर्च तो उसको उबाल लेंगे डायरेक्ट सर चाउमीन को। हाँ यार बताओ ना, वैसे उसको डराओ मत। पहले हम चाउमीन को उबाल लेंगे, उसके बाद सर हम सारे प्याज टमाटर मिर्ची शिमला मिर्च वगैरह काट के उसको फ्राई कर लेंगे, उसके बाद सर हम उसमें विनेगर एंड सोया सॉस एंड चिली सॉस ऐड कर देंगे, उसके बाद हम चाउमीन ऐड कर देते हैं, इसको सर सफिशियंट टेम्परेचर पे कुक कर लेंगे। इसको कुकिंग नहीं आता, मैं ऐसा बोल दूंगा, उसको उबाल लेना और उसमें ये ऐड कर देना और बनना, अच्छा चाउमीन बन जाएगा, बना लेगा ये जैसे बताया। स्पीड में बताऊं तो रेसिपी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी को बता रहा हूँ तो वो भी उस चीज को उसी टेस्ट में बना पाए, मतलब रेसिपी का। यस सर। तो अभी जैसे बताए हो कि मैं बोला चाउमीन को उबाल लेना, उसमें सोया सॉस और ये डाल देना और इसमें चाउमीन डाल देना, चाउमीन तैयार हो जाएगा, बन जाएगा ऐसे में। सर इसकी मात्रा भी हमें बतानी चाहिए। तो फिर तो रेसिपी कैसे बता रहे हो ऐसे में? सॉरी सर, उसमें साल्ट नहीं डाला तुमने, नमक तो डाला ही नहीं, नमक के बन जाएगा? नहीं सर, आपने डाला ही नहीं, लेकिन डालेंगे सर। चलेगा वो भी? यस सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। इंजीनियरिंग क्यों किया? वैसे लास्ट एक आंसर देके जाओ, इंजीनियरिंग क्यों किया था? अच्छा बन सकते थे। सर इंजीनियरिंग से पहले मेरी हॉबी कुकिंग नहीं थी, जब इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया तो जरूरत की वजह से मैंने इसे बनाना चालू किया था, तो सर धीरे धीरे मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो इस वजह से। ठीक है, थैंक यू सर।